नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिमैटिक ब्लॉग्स में। तो गाइज, कुछ दिन पहले मैंने पटना मरीन ड्राइव पे वीडियो डाला था, और आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डालूंगा। उस वीडियो में मैं काफ़ी डीपली से पटना मरीन ड्राइव, गंगा पाथवे और जेपी सेतु को एक्सप्लेन किए हैं, और आज का जो वीडियो है इसे काफ़ी रिलेटेड है, इसलिए आप लोग मरीन ड्राइव वाला वीडियो ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ पटना का अटल पथ। एक्चुअली एक अटल एक्सप्रेसवे है जो कि बुंदेलखंड पाथवे को नाम चेंज करके अटल पथ रखा, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया है। इसलिए पटना का अटल पथ भी आज एक साल कंप्लीट हो गया इनॉग्रेशन का। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इनका उद्घाटन किया था, यही जनवरी 2021 में। आज जनवरी 2022 हो चुका है। तो गाइज, अब चलते हैं यहाँ का, देखते हैं यहाँ पे अटल पथ का कैसा नज़ारा है और क्या न्यू कंस्ट्रक्शन है। और अगर अटल पथ की कनेक्टिविटी की बात करूँ तो ये अटल पथ आर ब्लॉक से स्टार्ट होती है और ये जाती है दिग्घा तक। एक्चुअली ये रोड दो फेज में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, एक फेज इसका कंप्लीट हो चुका है जो अभी हम एक्सप्लोर करेंगे। इसके बाद वीडियो के एंड में मैं सेकेंड फेज का भी एक्सप्लोरेशन करूँगा। और इसकी लंबाई 6.3 किलोमीटर की है और ये 380 करोड़ का प्रोजेक्ट था जो कंप्लीट हो चुका है और इसका एक साल कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज, अब हम लोग चलते हैं यहाँ से आगे। एक्चुअली मैं अभी हूँ आर ब्लॉक चौराहा पे, यहीं से स्टार्ट होती है। आप पीछे देख पा रहे होंगे वो चौराहा है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, इसमें मैं काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो गाइज, चलते हैं और देखते हैं आगे अटल पथ को। ये सामने आप देख पा रहे हैं ये आर ब्लॉक चौराहा है और यहाँ से तीन साइड रोड जाती है। एक आप फुलवाड़ी शरीफ दानापुर साइड जा सकते हैं और ये साइड वाली सड़क, ये सामने वाली सड़क, ये साइड दानापुर जा सकते हैं आप फुलवाड़ी शरीफ साइड एम्स, और ये सामने सड़क जाती है वो जाती है पटना जंक्शन, और इधर आप इनकम टैक्स गोलम्बर जा सकते हैं इस बिल्डिंग के बगल से। तो गाइज, अब चलते हैं हम लोग आगे और देखते हैं आज अटल पथ को, मैं डीपली एक्सप्लोर करूंगा। ये सामने देख पा रहे हैं एक एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाया गया है जिससे आम आदमी को रोड क्रॉस करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसे आर ब्लॉक से आप 100 मीटर आगे बढ़ेंगे ये एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाया गया है यहाँ पे। तो अब दोस्तों, चलते हैं यहाँ से आगे। ये सामने देख पा रहे होंगे एक ब्रिज है और एक नीचे से रास्ता गई है, जो साइड से जो बगल से गई है रास्ता वो चले जाएगी बेली रोड और हम चलेंगे ऊपर से दिग्घा की ओर। चलिए चलते। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अभी बेली रोड के पास। ये अभी हम ऊपर फ्लाईओवर पे खड़े हैं, नीचे ये देख पा रहे होंगे हम बेली रोड और वो सेक्रेटरीट है वो वाला, और यहाँ से अब हम आगे चलेंगे और आगे आपको दिखाएंगे आगे का व्यू, और इधर से आप देख पा रहे होंगे ये बेली रोड का नज़ारा है। तो दोस्तों, चलते हैं आगे और यहाँ से। बेली रोड के पास जो फ्लाईओवर है उससे मैं अभी नीचे आ चुका हूँ, यहाँ से आप इस तरह से अटल पथ को देख पा रहे होंगे। मौसम भी काफ़ी अच्छा है और रोड भी काफ़ी सुंदर है, तो ट्रैवलिंग करने में भी मज़ा आ रहा है दोस्तों।
फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं पुनाई चौक। ये पीछे आप देख पा रहे हैं ये पुनाई चौक चौराहा है। अब यहाँ से अब चलेंगे हम आगे की ओर। ये सामने देख पा रहे हैं ये अटल पथ का दूसरा एलिवेटेड फ्लाईओवर है। फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं उदय चौक। ये पीछे देख पा रहे हैं ये उदय चौक है और ये साइड में जो ये एरिया देख पा रहे होंगे ये पड़ता है इंद्रपुरी। ये पड़ता है इंद्रपुरी और यहाँ से आप बहुत सारा गली है यहाँ से जा सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा सड़क है और ये 6 लेन की सड़क है और जो उत्तर बिहार से आने वाले जो भी पब्लिक है जो पटना आना चाहते उत्तर बिहार से उनके लिए काफ़ी ईजी हो गया है। अब वो 5 से 7 मिनट में पटना रेलवे स्टेशन और विधानसभा पटना सेक्रेटरीट इनकम टैक्स आसानी से इस रूट के थ्रू वो पहुंच सकते हैं। ये सामने आप देख पा रहे होंगे ये तीसरा क्रॉसिंग एलिवेटेड फ्लाईओवर है जो कि अटल पथ का ये तीसरा एलिवेटेड फ्लाईओवर है। हम पहुंच चुके हैं राजीव नगर और यहाँ से अभी कंस्ट्रक्शन का काम सेकेंड फेज का चल रहा है और ये आप देख पा रहे होंगे पीछे यहाँ तक रोड थी यहाँ से ब्लॉक हो चुका है और यहाँ से ये देख पा रहे होंगे एक फ्लाईओवर बन रहा है। यहाँ से सेकेंड फेज का काम स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ से देखते हैं अब आगे चलते हैं आगे की चीज़ों को एक्सप्लोर करें। दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं दीघा। ये आप देख पा रहे होंगे ये जाती दानापुर रोड और ये सामने देख पा रहे होंगे ये कंस्ट्रक्शन का काम यहीं तक ख़त्म हो चुका है और ये दीघा तक का 6.3 किलोमीटर का ये रोड का फर्स्ट फेज का काम कंप्लीट हो चुका है। तो सामने आप देख पा रहे होंगे वो एक FCI का वहाँ पर बिल्डिंग है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का और उसको वहाँ से तोड़ के उसको हटाने वाला है और हटा के यहाँ से 2 फ्लाईओवर बनेगा। आपको मैं सामने से दिखा देता हूँ। ये सामने आप देख पा रहे होंगे वो FCI का बिल्डिंग है गोडाउन है एक्चुअली वो और उसमें जो भी चावल और गेहूं का वो सामने आप एक फ्लाईओवर देख पा रहे होंगे वो फ्लाईओवर है जो कि जेपी सेतु होते हुए सोनपुर तक जाती है हाजीपुर होते हुए। तो उस फ्लाईओवर से इसको अटल पथ को यहाँ से कनेक्ट किया जाएगा और उसके बगल में ही मैं इससे पहले का वीडियो में दिखा चुका हूँ गंगा एक्सप्रेसवे गंगा पाथवे को और पाथवे को भी इसी रोड से कनेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे 2 एलिवेटेड फ्लाईओवर बनने वाला है। तो गाइस जब ये सेकेंड फेज का काम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसको भी एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों यहाँ से अब सेकेंड फेज का काम स्टार्ट होने वाला है। एक्चुअली लैंड डिस्प्यूटेड के कारण स्टेट गवर्नमेंट को लैंड एक्वायर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि वहाँ पे FCI का एक गोडाउन था जिसमें कि काफ़ी सारे फूड रखे हुए थे। तो अब उसको गवर्नमेंट ने शायद उसका खरीद चुका है वो और यहाँ से अब 2 एलिवेटेड फ्लाईओवर बनेगा। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा सेकेंड फेज दोस्तों तो मैं भी इसको काफ़ी एक्सप्लोर करूँगा। और ये टोटल जो लैंड थी वो 1.6 एकड़ की ज़मीन थी, काफ़ी लंबी ज़मीन थी क्योंकि यहाँ से 2 एलिवेटेड फ्लाईओवर बनेंगे जो कि एक गंगा सेतु से जुटेगा और दूसरा जेपी सेतु से जुटेगा और दूसरा जो कि गंगा पाथवे। एक्चुअली मैं इसे पहले वाला वीडियो पे दिखा चुका हूँ, आप उसमें जाके देख सकते हैं गंगा पाथवे को कैसे डीपली मैं एक्सप्लोर किया हूँ। तो दोस्तों तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें।